प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने आज विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मी सरकार से उनके लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं करते तो नोटिफिकेशन निकाले जिसमें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी का एग्रीमेंट किया जाए। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटकती रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाए। आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्षों से लोग सेवाएं दे रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। ठेका प्रथा पर सरकार को लगाम लगानी होगी। ठेकेदार तो मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन उनको दी जाने वाली सैलरी नाकाफी है। आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि उन्हें सुक्खू सरकार से काफी उम्मीदें हैं। सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है तो उनके लिए नीति बनाकर वेतन वृद्धि की जाएगी। सरकार ऐसा नहीं करती है तो अधिसूचना निकाले जिसमें 58 साल तक की नौकरी की सुरक्षा दी जाए। सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है ये हमेशा से ही एक ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को, और पिछले 15 सालों से 20 सालों से हम लोग एक स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे थे लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है हिमाचल के इतने सारे लोग जो कि आउटसोर्स में है सरकार जो है उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। कुछ लोगों को 20-20 साल हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 55 साल से भी ऊपर हो गई और अब उनका क्या होगा, यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई ऐसी स्थायी पॉलिसी बनाए और अगर स्थायी पॉलिसी नहीं बना सकती, अगर हमें सरकार रेगुलर नहीं कर सकती तो हमारे लिए एक नोटिफिकेशन सरकार जो है निकाले कि 58 साल तक जो है हमें नहीं निकाला जाए ताकि जॉब सिक्योरिटी हमारी बनी रहे, क्योंकि हमें हर साल जो है हमारे गले में एक तलवार लटकी रहती है कि हमारा अब एग्रीमेंट न्यू होगा कि न्यू होगा। क्योंकि सर हमें भी 10-12 साल हो गई, 15-15 साल हो गई विभाग में, अब हमारी तो एज ऐसी हो गई है कि हम लोग ना तो हम इस जॉब को करने के लिए रह गए हैं ना ही इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ उम्र के ऐसे उम्र के पड़ाव होते हैं जो कि 45-50-55 साल में पहुंच गए। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि 40 से ऊपर ही है। अब लोग हम लोग तो नया काम भी कोई शुरू नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें कम से कम 10-12 साल लगती है। अब हम इस उम्र के पड़ाव में हैं कि अगर हम नया काम शुरू करेंगे तो हम सरकार के समक्ष रखने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं। तो हमारी जो मांग है, आपने देखा होगा कि हर बार जब विधानसभा होती है तो आउटसोर्स कर्मचारी शिमला में कभी धर्मशाला में आता है। आपको पता कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी कितनी, 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है और हिमाचल से आते हैं। कुछ एक साथी हमारे ऐसे भी हैं जो पैसे किसी से मांग कर उधार लेकर आते हैं और हर बार सरकार हमें आश्वासन ये दे देती है कि हम आपके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। हम सरकार को ये नहीं बोलते कि आज ही हमें रेगुलर कर दें। हम सरकार से ये तीन हमारी जो प्रमुख मांगें हैं वो हैं, एक हमें जॉब सिक्योरिटी दे दे और ऊपर से जो ठेकेदार या कंपनी उनको बाहर करके हमें विभाग और बोर्ड निगमों से सैलरी जो है विभागों से डायरेक्ट दी जाए, और जो हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो विभागों से निकाल दिए गए हैं जैसे कि IPS से या कोविड विभाग से या बाकी के भी और भी विभाग हैं उनसे निकाल दिए गए हैं। जब आपको पता कि कोविड का समय था तो आउटसोर्स कर्मचारियों ने चाहे वो किसी भी विभाग में हो Oh!